नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त किशन कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञान बुक। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको मिलते रहते हैं। और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा ताकि हम मोटिवेट हो जाएँ और आपके लिए जल्द से जल्द न्यू वीडियो लेके आ सकें। तो दोस्तों, 8 सितंबर को RSCIT का एग्ज़ाम है, इसलिए मैंने सोचा चलो दो वीडियो डाल देते हैं और लेटेस्ट क्वेश्चन जो आ सकते हैं, 100% चांस है, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और दोस्तों, 8 सितंबर को RSCIT का एग्ज़ाम है, ये तो आप सभी को पता ही है। जो जो RSCIT के एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी को इस बात का पता है। अगर आपने अभी तक परमिशन लेटर नहीं लिया है तो आप अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर से, जहाँ पे आपने कोर्स किया है, जहाँ पे आपका एडमिशन है, वहाँ पे जाके अपना परमिशन लेटर ले लें। परमिशन लेटर आ चुके हैं तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का। और मैं आपको कुछ बता देता हूँ इससे पहले। देखिए, मैंने अभी RSMS SB का एग्ज़ाम का जो है वीडियो डाला है, तो इसमें अपना MS वर्ड के कुछ प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन रहते हैं। और ये वीडियो आपको दो जगह काम आएगा, एक तो RSLTC कोर्स जो आपने किया है उसके अंदर एफिशिएंसी जो टेस्ट होता है उसके अंदर ये वीडियो आपको काम आने वाले हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। और दोस्तों, साथ ही मैं RSCIT क्वेश्चन भी डाल रहा हूँ। अपना लेटेस्ट वीडियो ये आया है, अभी 2-3 दिन पहले ही आया है। तो चलिए दोस्तों, आज की जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक आपको शेयर करना है। और फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी आप चाहो वहाँ शेयर कर सकते हो। और सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं होता है दोस्तों, बिल्कुल फ्री होता है। इस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका बस एक ही फ़ायदा है कि आप जब भी मेरा कोई भी वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहला, देखिए दोस्तों, मैंने 20 क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं। 20 क्वेश्चन बहुत होते हैं और देख लेते हैं, फिर 20 क्वेश्चन का एक और वीडियो आएगा कल। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर प्रणाली संग्रहण के लिए हाई डेफिनेशन का मानक होती है। देखिए, जो वर्तमान समय में जो कंप्यूटर के संग्रहण में हाई डेफिनेशन में जो डाटा स्टोर किए जाते हैं वो कौन सी प्रणाली के द्वारा कर सकते हो? तो इसका उत्तर हमारा होगा ब्लू रे डिस्क। इसका उत्तर है ब्लू रे डिस्क। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा फाइल विंडोज पावर पॉइंट 2007 में जोड़ा जा सकता है? 2007 का जो पावर पॉइंट है वर्जन, उसके अंदर कौन सी चीज़ों को आप जोड़ सकते हो? तो इसका उत्तर यहाँ पे हम लगाएंगे JPG, GIF और डॉट वेव फाइल। अगर ये तीनों आपके ऑप्शन में दिए हैं तो इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। और अगर एक ही दिया, तीनों दिए हुए हैं तो तीनों को सेलेक्ट कर लेना है, और अगर एक ही दिया हुआ है तो आपको एक सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो ध्वनि संदेशों को प्राप्त करने व भेजने के काम आती है, क्या कहलाती है? तो उत्तर हम लगाएंगे इंटरनेट टेलीफोन। यानी इंटरनेट टेलीफोन से हम ऑडियो फाइल जो होती है वो हम भेज सकते हैं और ले भी सकते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, कौन सा मैग्नेटिक टेप संग्रहण का एक प्रकार नहीं है? तो इसका उत्तर हम लगाएंगे कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो मैग्नेटिक टेप संग्रहण का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है 5 नंबर, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को जल्दी बनाने के लिए, यानी आप पावर पॉइंट में अपना एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हो और उसको आप जल्दी बनाना चाहते हो तो क्या करोगे? तो उत्तर हम लगाएंगे ऑटो कंटेंट विजार्ड, ऑप्शन होता है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है 6 नंबर, यदि आप अपने फोटो एल्बम को निरंतर देखना चाहते हैं, यानी लगातार आप देखना चाहते हैं, बीच में नहीं रुकना चाहते, तो हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे कंटिन्यू लूपिंग ऑप्शन का उपयोग, निरंतर लूपिंग ऑप्शन। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन एक्सेल को प्रदर्शित करेगा? यानी आपको फाइल दी हुई होंगी, नाम दिया होगा, और आपको देखना है कि कौन सा जो फाइल है वो एक्सेल को प्रदर्शित कर रहा है। तो उत्तर हम लगाएंगे tax01-02। अगर इस प्रकार का नेम होगा तो आपका फाइल वो एक्सेल का होगा, अगर आपका केवल कैपिटल में होगा तो वो आपका एक्सेल का फाइल नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 7 नंबर, कौन ब्राउजर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? यानी कौन सा ब्राउजर है वो सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट है
एक वर्कशीट में आप चयन कर सकते हैं, यानी आपके पास में एक वर्कशीट है, उसमें आप क्या-क्या चयन कर सकते हैं। तो इसमें हम ऑप्शन लगाएंगे संपूर्ण वर्कशीट। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, फाइल प्रणाली यानी NTFS का पूर्ण रूप होगा। तो इसका उत्तर हम लगा देंगे न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इसका फुल फॉर्म यही होगा, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। वी लुकअप फंक्शन क्या है? वी लुकअप फंक्शन है वो क्या है? तो उत्तर हम लगाएंगे संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाता है, यानी आपके पास में किसी अन्य का रिकॉर्ड है और उसको आपने ऐड कर रखा है, तो उससे संबंधित अगर कोई और रिकॉर्ड होगा तो उसका आपको पता लग जाएगा वी लुकअप से। नेक्स्ट है 11, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस संस्करण एक प्रकार नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस संस्करण में एक प्रकार नहीं है, तो उत्तर लगाएंगे ओपन ऑफिस 2005। 2005 जो है वो संस्करण नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। तो 12 के अंदर चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, असंगठित तथ्यों का विवरण का संग्रह है। असंगठित जो तथ्य होते हैं उनका विवरण का संग्रह है, तो उत्तर हम लगाएंगे आंकड़े। अगर आंकड़े होते हैं तो असंगठित तथ्य के अंदर आएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे, तो सेकंड पार्ट मैंने ओपन कर रखा, 20 क्वेश्चन है दोस्तों टोटल, मैंने ज़्यादा बनाए नहीं है। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन एक हार्डवेयर नहीं है? तो उत्तर लगाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट 14 है, विंडोज 7 को बंद करने के लिए कौन से विकल्प का चयन करेंगे? यानी आप विंडो को बंद करना चाहते हो तो कौन से विकल्प का चयन करोगे? तो हम उत्तर लगा देंगे लॉग ऑफ का। देखिए यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे शटडाउन भी आता है, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लॉग ऑफ आता है, स्विचर यूजर आता है, रिस्टार्ट आता है, तो हम लॉग ऑफ का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें हम उत्तर लगाएंगे उबंतु 12.04 वर्जन। नेक्स्ट है 16, डिजिटल कैश प्रोवाइड साइट है, डिजिटल कैश जो प्रोवाइडर्स साइट होती है वो कौन सी है? तो उत्तर लगाएंगे चेकआउट गूगल्स डॉट कॉम। 17 नंबर है, कंप्यूटर में संसाधनों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है, कंप्यूटर में जो संसाधन होते हैं उसके प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो उत्तर लगाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, RFID का पूर्ण रूप है? तो इसका उत्तर लगाएंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑपरेट आइडेंटिफिकेशन डिकोडिंग, डिकोडिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिकोडिंग। 20 नंबर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2017 में साइट्रेट प्रोट्रेट वेल लैंडस्केप है। तो ये हम मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मुझे इजी लगा इसलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन होता है ये प्रोट्रेट और लैंडस्केप। तो इसमें इसने यही पूछा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2017 में प्रोट्रेट वेल लैंडस्केप क्या है? तो ओरिएंटेशन है, यानी पेज को हम लंबा और चौड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको क्यों पसंद नहीं आया है, और कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा आपको पसंद आया है या नहीं आया है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो आपके लिए मैं लेके आता रहता हूँ, सिर्फ आपके लिए ही मेहनत करते हैं और आपके लिए ही वीडियो लेके आते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और घंटी का निशान आपको ध्यान से दबाना है। घंटी का निशान जब भी आप ऑन करते हो तो उसके अंदर आपको ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय।